वंदे मातर मित्रों, शनि खाना नंबर 8 में बैठा हो, लाल किताब इस विषय पर क्या कहती है? आज बात इस विषय पर। शनि खाना नंबर 8 में यदि अकेला बैठा हो तो ऐसा शनि बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। शनि खाना नंबर 8 में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है। शनि खाना नंबर 8 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के कामों में बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होता है। शनि खाना नंबर 8 में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की अपने भाइयों से नहीं बनती। जिन मेरे मित्रों का शनि खाना नंबर 7 में बैठा हो, उन्हें प्रत्येक सोमवार को थोड़े से चावल का दान अवश्य करते रहना चाहिए। इससे शनि खाना नंबर 7 के अशुभ प्रभाव शांत रहते हैं। शनि खाना नंबर 8 में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कठिन बीमारियों को झेलने के बाद होती है। शनि खाना नंबर 8 में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को धन की कमी सदैव महसूस होती रहती है। जिन मेरे मित्रों का शनि खाना नंबर 8 में बैठा हो, उन्हें कभी भी किसी भी नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि वो नशे का सेवन नहीं करते तो शनि खाना नंबर 8 के अशुभ प्रभाव शांत रहते हैं। जिन मेरे मित्रों का शनि खाना नंबर 8 में बैठा हो तो मेरे उन मित्रों को अपने गले में चांदी की चैन जरूर धारण करनी चाहिए। इससे शनि खाना नंबर 8 के सभी अशुभ प्रभाव शांत रहते हैं। जिन मेरे मित्रों का शनि खाना नंबर 8 में बैठा हो, उन्हें कभी भी नंगे पांव जमीन पर रखकर स्नान नहीं करना चाहिए। यदि वो नंगे पांव जमीन पर रखकर स्नान नहीं करते तो शनि खाना नंबर 8 के सभी अशुभ प्रभाव शांत रहते हैं। अच्छा मित्रों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।